हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे बी फार्मा के बारे में, जो कि कहते हैं बैचलर ऑफ द फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ पहले वीडियो में कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि उनको ठीक से आइडिया नहीं लग पाया कि भाई 12वीं में कब कितना परसेंट होना चाहिए, क्या कोर्स होनी चाहिए 12वीं में, तब जाकर अप्लाई करें, और करियर में इसका क्या ऑप्शन है। अगर हम बी फार्मा कोर्स वहाँ जाकर अप्लाई कर भी देते हैं और हम एडमिशन ले भी लेते हैं, तो उसमें किस तरह से पाठ्यक्रम रहता है, कितने सेमेस्टर चलते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है कि ईयर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो इस दुनिया भर की तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को दबाकर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट करते रहें। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि बी फार्मा हम बनने बताया था हमने पहले वीडियो में कि ये 4 साल का होता है और इसको इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ द फार्मेसी। फार्मेसिस्ट का मुख्य कार्य रोगियों के लिए दवाएं उत्पन्न कराना होता है। इससे पता चलता है कि बी फार्मा के में आपको बायोलॉजी, फार्मेटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी आदि की पढ़ाई करनी पड़ती है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। वैसे तो भारत में फार्मेसिस्ट का रोल बहुत ही सीमित है और इसका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इसको क्रेडिट भी नहीं दिया जाता, लेकिन फॉरेन में इसका बिल्कुल रिवर्स रोल है। अगर आप फॉरेन में किसी भी फार्मेसिस्ट को बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है और काफ़ी सम्मान भी मिलता है। तो ये है इंडिया और विदेश में अंतर ये फार्मेसिस्ट को लेकर। बैचलर ऑफ फार्मेसी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है। बी फार्मा की 4 साल की पढ़ाई में करीब 8 सेमेस्टर होता है और हर साल आपको 2 सेमेस्टर देने पड़ते हैं। और जैसा कि आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि हर सेमेस्टर एक सेमेस्टर छः महीने का होता है और इस तरह से आपको 2 सेमेस्टर परीक्षाएँ देनी होती है हर साल और कुल मिलाकर 8 सेमेस्टर एग्जाम देना होता है। हर सेमेस्टर में स्टूडेंट को हर एक थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन देना जरूरी होता है, जिसे मेन एग्जाम कहते हैं। कुछ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, जिसमें हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी जैसे विषय भी शामिल होते हैं। तो मतलब कुछ प्रैक्टिकल होता है, कुछ थ्योरेटिकल होता है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो साइंस स्ट्रीम का कोई भी छात्र, याद रखिएगा, बहुत से हमारे स्टूडेंट इस पर चर्चा कर रहे थे सर कि हम केवल इंटर पास होने से ही काम चल जाएगा, या मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तरह का हमारा स्ट्रीम रहे 12th में, तब जाकर हम बी फार्मा दे सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो बी फार्मा का कोर्स होता है वो किसी भी स्ट्रीम के छात्र के लिए, फॉर एनी स्ट्रीम ऑफ द छात्र स्टूडेंट विच हु बिलोंग्स टू द साइंस स्ट्रीम। तो साइंस स्ट्रीम का कोई भी छात्र, चाहे वो उसका 12वीं मैथ से हो, चाहे बायो से हो, आई मीन इंटेलिजेंस, ही और सी इज़ फ्रॉम PCM और PCM भी कैन बी एबल टू टेक द एग्जामिनेशन लाइक बी फार्मा। तो 12वीं की बोर्ड की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्थान से आप कर लीजिए और उसमें कोई भी ले लीजिए, चाहे मैथ से कर लीजिए 12वीं, चाहे बायो से कर लीजिए, कोई भी से कर लीजिए, आप बी फार्मा दे सकते हैं। फार्मेसी में दाखिला के लिए स्टूडेंट को PCM और PCMB में कम 50 मार्क्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 50 मार्क्स लेकिन आपके होने चाहिए 12वीं में। ऐसे 50 मार्क्स से कम होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं बी फार्मा देने के लिए। तो ये था कुछ खास बात जो स्टूडेंट अधिकतर परेशान थे, तो भाई ये हो कि उनको बताया जाए। तो ऐसा कोर्स करने के बाद आप कर सकते हैं, या 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम होता है। तो वैसे तो सामान्यतः सभी कॉलेजों में यूनिवर्सिटी के आधार पर अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी कॉलेजों में विषय एक जैसे होते हैं और जो सेमेस्टर बदलने पर बदलते रहते हैं। बी फार्मा के फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए, कुछ लड़के पूछ रहे थे सर फर्स्ट ईयर में अगर क्या सब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो ह्यूमन एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी और डिस्पेंसन एंड जनरल फार्मेसी और फार्मेसिकल केमिस्ट्री में, जैसे कि इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, विषय होते हैं। ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। और वही सेकेंड सेमेस्टर की बात की जाए तो जनरली होती है आपका मैथमेटिक्स हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फार्मेसिस्ट हो गया, एडवांस ऑर्गेनिक हो गया, फार्मेटिकल एनालिसिस हो गया
और बायोकेमिस्ट्री हो गया, क्लिनिकल केमिस्ट्री हो गया और हेल्थ एजुकेशन हो गया, ये दूसरे सेमेस्टर में होते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर तीसरे वर्ष में बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल तीसरे वर्ष में आपको तीसरे वर्ष में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है तीसरे, और कंप्यूटर एप्लीकेशन और फार्मेकोलॉजी वन और केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, इस तरह के विषय होते हैं। और चौथे अंतिम वर्ष की बात करें तो फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेटिकल एनालिसिस जो कि का एडवांस भाग, और फार्मेसिस एडवांस और फार्मेकोलॉजी टू विषय होते हैं। चौथे वर्ष में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ता है जो कि अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग होता है। तो जी ये फ्रेंड्स देखिए, एक फ्रेंड्स तीसरे वर्ष में जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट था ये थोड़ा रोचक था, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपका बीटेक में भी मिलता पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और देख रहा हूँ यहाँ भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, मतलब भाई कोर्स में तो पढ़ना ही पड़ेगा। और प्रोजेक्ट देखिए, प्रोजेक्ट चाहे आपका बी फार्मा हो चाहे आपका बीटेक हो, बीटेक मींस बैचलर ऑफ द टेक्नोलॉजी, इन सभी को भाई फाइनल ईयर में तो प्रोजेक्ट रहता ही है, और बम्पर प्रोजेक्ट रखता है, मतलब प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते रहते हैं। तो फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ ईयर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत होने तो कुछ नहीं करना पड़ता है, फोर्थ ईयर बहुत ही बस केवल प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट आप ठीक से काम करिए आपको हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत या दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मेन आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, इसमें खूब आपको चाप को मेहनत करना पड़ता है, यानी खूब वर्क हार्ड बहुत स्ट्रांगली करना पड़ता है, और खास कर तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा सब्जेक्ट आपके ट्वेल्थ से रिलेटेड मिल जाएंगे नियर अबाउट 50-60%, लेकिन जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होता है थोड़ा सा एडवांस होता है। तो ये था आपका बी फार्मा के बारे में, और बी फार्मा के बारे में एक और वीडियो भी बनेगा जो कि पार्ट थ्री होगा, क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू से ही बी फार्मा लग रहा है कवर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम फुल डिटेल और नॉलेज देना चाहते हैं हर तरह से, ताकि 12वीं का जो स्टूडेंट है ना उसको पूरा टूथ एंड नेल का, मतलब पूरा अप एंड इन का तो पूरा नॉलेज हो जाए, मतलब शुरू से अंत तक उसको पूरा नॉलेज रहे कि मतलब कैसे क्या चक्कर चलता है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाए फिर फर्स्ट ईयर में कुछ उसको पता चले तो फिर सेकेंड ईयर में जाते जाते कुछ उसको समझ में आए, इससे अच्छा वो पहले ही से पूरा बायोडाटा तैयार कर ले बी फार्मा के, किसकी कैसे क्या करना है क्या पढ़ना है। तो इस तरह से, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आता है आएगा, और अगर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रेड बटन दबा कर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।